बट आवर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। जो टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। कितने टाइप्स हैं इसके? थ्री। तो फर्स्ट है हमारा यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं बाई इक्वल, या गामा कह दो, गामा इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसे डिफाइन करना है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज डिनोटेड बाय गामा। नाउ वी नो दैट नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रखते हैं हम, एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन का क्या रखते हैं, स्ट्रेन का रखते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। इन द लास्ट वीडियो आई ऑल्सो एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस की जगह आप एफ अपॉन ए पुट कर दें, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जगह डेल्टा एल अपॉन एल पुट कर दें। ठीक है, तो गामा एफ अपॉन ए, तो एफ अपॉन ए, और यहां हम लिख सकते हैं एल अपॉन डेल्टा एल। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, वी नो दैट एफ इक्वल क्या होता है, एम जी। तो गामा इक्वल एम जी एल अपॉन ए डेल्टा एल। बट बायर हमारे पास कैसा था, क्रॉस सेक्शनल बायर था, इस तरह से वायर लेते थे, तो इसका हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो गामा इक्वल एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, दिस इज योर फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्वेश्चन आता है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं इसकी। डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करोगे, गामा की डायमेंशन निकालनी है हमें, एम जी एल। अब एम चाहे इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, एम जी एल, एम को एम से ही डिनोट करेंगे। जी क्या होता है हमारे पास, एल टी माइनस टू इसकी डायमेंशन होती है, कैप स्मॉल एल की, कै लेंथ पाई आर स्क्वायर, पाई एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसे एल स्क्वायर आर की हो गई, डेल्टा एल की एल। अब इसे आप वैलेंस करके लिखेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल माइनस वन, यानी एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसकी डायमेंशन होगी। और बात करते हैं यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट भी यहाँ से निकल जाएगा, जैसे एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल है, तो एफ न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको ही हम कहते हैं पास्कल। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सेकंड टाइप्स है हमारा बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को बी से डिनोट करते हैं, और बी इक्वल फार्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ आप
नॉर्मल स्ट्रेस की जगह फार्मूला पुट कर दें एफ अपॉन ए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए बी अपॉन डेल्टा बी। और पी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए, तो बी इक्वल लिख सकते हैं पी बी, पी बी अपॉन डेल्टा बी, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन, डायमेंशन भी होगी हमारे पास जो यंग मॉडुलस की होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। थर्ड एक और है,